ओके गूगल, तुम्हारा नाम क्या है? आप मुझे गूगल असिस्टेंट बुला सकते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है गूगल असिस्टेंट और मेरा काम है आपके सारे काम निपटाना। तुम आदमी हो या फिर औरत? मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूं, इसलिए मेरा कोई लिंग नहीं है। ओके गूगल, शाम 7 बजे मुझे जरूरी काम है, क्या तुम मुझे याद दिला दोगे? ओके, 7 बजे बजे मुझे जरूरी क्या काम, मैं ये रिमाइंडर किस समय याद दिलाऊं? मुझे पढ़ाई करनी है। समझ गई, पढ़ाई करनी है, मैं ये रिमाइंडर किस समय याद दिलाऊं? शाम के 7 बजे। समझ गई, मैं आपको याद दिला दूंगी, शाम के 7 बजे। तो जैसा कि आप सबने देख लिया कि मैंने गूगल असिस्टेंट को हिंदी में यूज़ किया, तो ये मैंने कैसे किया तो आप सबको यहाँ पे मैं लाइव बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सबको मैंने डेमो देखे दिखाया, तो ये तो एक छोटा सा डेमो, आप गूगल असिस्टेंट से कुछ भी करवा सकते हो। A to Z आपका काम सुनेगा और हिंदी में सुनेगा, हिंदी में जवाब भी देगा और आपका वो काम करके भी देगा। तो आपको यहाँ पे A to Z सेटिंग मैं बताने वाला हूँ गूगल असिस्टेंट के अंदर किस तरह से इसे सेटअप करना है, जो कि आप हिंदी में भी इसे यूज़ कर पाए। तो यहाँ पे मैं आप सबको सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको अगर यहाँ पे रिमाइंडर सेट कराना है, जैसा कि मैंने आगे वीडियो में बताया ही, रिमाइंडर सेट कराना है या फिर कुछ गूगल पे सर्च करना है या फिर कुछ भी यहाँ पे अगर आपको वर्क करना है तो, या फिर करवाना है गूगल से, या फिर यूट्यूब ओपन करना है, व्हाट्सएप ओपन करना है, A to Z आपको यहाँ पे करके देगा, वो भी हिंदी में। तो हिंदी में आप किस तरह से इसे यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है इसका सेटिंग में जाके आपको कुछ सेटिंग करना होगा, जो कि मैं आगे इस वीडियो में बताऊँगा। तो उसमें जाके आपको सेटिंग में जाके हिंदी को सेलेक्ट कर देना होगा, भारतीय हिंदी को। और मैं यहाँ पे एक दो फीचर के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे लाइव जाके भी A to Z सेटिंग आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से आपको सेटअप करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले भारतीय हिंदी सेलेक्ट कर लेना, और सिकंड जो आता है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आप बाई डिफॉल्ट सेट कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारा फीचर जो कि मुझे, मैं जाके वहाँ पे समझाऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जान लो, मेरा नाम है, हूँ आपका दोस्त जफर और आप देख रहे हो जफर टेक चैनल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेके चलता हूँ आपको मोबाइल के होम स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं लाइव आपको वो सारे सेटिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना डाटा ऑन कर लेता हूँ। तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अपना प्ले स्टोर को आपको ओपन करना है। तो प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको क्या सर्च करना है मैं आपको बताऊँगा, A to Z सेटिंग बताऊँगा, आप वीडियो ज़रा सा स्किप मत करिएगा। तो यहाँ पर मैं आप सबको सबसे पहले यहाँ पर आपको सर्च बार में जाके सर्च करना है गूगल असिस्टेंट या फिर गूगल डाउनलोड, आपको जो भी लिखना है लिख सकते हो अपने। तो देखिए यहाँ पे मैं गूगल असिस्टेंट को यहाँ पे इंस्टॉल कर चुका हूँ। और सिकंड जो आता है आपको करना क्या है, अगर आपका गूगल ऐप अपडेट नहीं है तो आपको गूगल ऐप को जाके अपडेट भी कर लेना है। अगर आपका गूगल ऐप अपडेट नहीं रहेगा तो गूगल असिस्टेंट सही से वर्क नहीं करता या फिर वर्क ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे गूगल को भी आपको जाके अपडेट कर लेना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो आपको मैं आगे यहाँ पे कुछ रिमाइंडर दे के भी दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको कुछ कमांड दे के भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे गूगल असिस्टेंट जो एप्लीकेशन जो मैंने, तो उसे मैं ओपन यहाँ पे करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 पट्टी दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद ये देखिए मेरा जो है यहाँ पे लोगो आ गया है। तो मैंने इसी से यहाँ पे सेटअप किया है गूगल असिस्टेंट, तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहेंगे कि यहाँ पे इस तरह के आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपको सेटिंग करना है, यहाँ पे आपको वॉइस मैच कराना है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ये आपका ऑफ रहेगा, तो इसको आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ऑन करना है, उसके बाद यहाँ पे ऑन करके रख दे, छोड़ देना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे सिकंड वाला जो है आपको ऑन कर भी सकते हैं या फिर उसे ऐसे भी आप छोड़ सकते हो। ये नीचे वाला जो है अनलॉकिंग वॉइस मैच है, तो इससे आपको
ऐसे ही छोड़ देना क्योंकि मेरा पैटर्न लॉक है, इसीलिए अगर आपके पास पैटर्न लॉक नहीं लगा रहेगा तो ये आपको ऑप्शन नहीं शो करेगा। तो यहाँ पे कर दिए। उसके बाद आपको सिकंड जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे सेटिंग आता है वो है लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसा कि आप सब देख पा रहेंगे कि इंग्लिश यूएस मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्टेट पहले ऐड है, और यहाँ पे देखिए आप हिंदी भारतीय ऐड है। तो आपको भारतीय ऐड कैसे करना है, तो आपको देखिए यहाँ पे आपको सेकंड वाला ऑप्शन शो नहीं हो रहा होगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हिंदी भारतीय करके होगा यहाँ पे, भारत करके, तो हिंदी भारत आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली सेव भी हो जाएगा, डोंट वरी, यहाँ पे सेव भी ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। तो उसके बाद आपको सेकंड जो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाता है थर्ड नंबर पे, वो है पर्सनलाइजेशन। तो पर्सनलाइजेशन में भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसमें कोई मतलब फीचर नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ऑन है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पे रूटिंग आता है, तो फोर नंबर पे आपका रूटिंग आता है। तो रूटिंग में आपको क्या करना है, रूटिंग आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, इसमें मैं कोई भी सजेशन नहीं देने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए सिंपली न्यू रूटिंग ट्राई है, तो वर्क डे है, आप गुड मॉर्निंग या फिर बैड टाइम, आई एम होम, तो ऐसे करके कमांड है। तो इसे अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा, आगे इस पे कमांड मैं देके दिखाने वाला हूं। तो फिलहाल जो है आपको देखिए यहां पे जैसे गुड मॉर्निंग पे मैं क्लिक करता हूं, तो यहां पे 5 एक्शन है, 5 तरह से ये रिएक्ट करेगा। टेल मी तो अबाउट द वेदर, पहले वेदर आपको बताएगा। टेल मी द अबाउट द टूडे कैलेंडर, तो कैलेंडर आपको बताएगा। टेल मी टूडे रिमाइंडर, तो आज का रिमाइंडर भी आपको ये दिखाएगा। अगर टेल मी माई फ़ोन बैटरी इज़ लो, तो आपका अगर बैटरी लो होता है तो भी आपको ये बता देगा। और यहाँ पे एंड देन पे, तो उसके बाद जो है इतना आपको बताने के बाद आपको यहाँ पे न्यूज़ ये दिखाएगा। अगर आप यहाँ पे चेंज कर दोगे, म्यूज़िक कर दोगे, तो आपको म्यूज़िक बज जाएगा। तो इतना करने के बाद आपको सेव कर देना है। आपको अगर कुछ चेंजेस करना है इसके अंदर, अपने हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हो। तो उस थर्ड फिफ्थ नंबर पे आता है आपका, 5 नंबर पे जो आता है वो आपका म्यूज़िक का ऑप्शन आ जाता है। तो म्यूज़िक में आपको यहाँ पे अगर आप के पास किसी भी यहाँ पे चैनल का सब्सक्रिप्शन है, जैसे स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, विंक म्यूज़िक, तो आप इसे लिंक कर सकते हो। और यहाँ पे आप वरना आप यूट्यूब म्यूज़िक को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, तो यूट्यूब के थ्रू ये म्यूज़िक प्ले कर देगा। तो फ़िलहाल मैं अभी इसे ऐसे ही छोड़ने वाला हूँ, आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर लेना। तो उसके बाद आपको आ जाता है पर्सनल। तो पर्सनल में आपको सबसे पहले क्लिक करना है, और यहाँ पे जो है अपना जो है नाम डाल देना है, ताकि आपको ये अच्छा से समझ पाए गूगल असिस्टेंट। तो यहाँ पे आपको निकनेम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर डाल देना है। तो मैं यहाँ पे अभी इसे बाद में फिल करूँगा, मैं आप सबको पहले बता देता हूँ, बाद में मैं इसे फिल करने वाला हूँ। तो फ़िलहाल जो मेरा असिस्टेंट है वो वर्क कर ही रहा है, फिर भी मैं यहाँ पे अच्छी तरह से यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो सेकंड जो आता है योर प्लेस, तो अगर आपको आप बोलोगे ओके गूगल मुझे घर पहुँचा दो, तो ये यहाँ पे अगर आप योर प्लेस यहाँ पे अपना होम एड्रेस ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे गूगल मैप जो है ऑटोमेटिकली ओपन होके आ जाएगा और आपको रूट बताने लगेगा गूगल असिस्टेंट खुद। तो सेकंड जो थर्ड नंबर पे आता है, तो गेट अराउंड, तो यहाँ पे आप अगर आप ट्रांसपोर्ट मोड पे अगर कहीं ट्रैवलिंग करते रहते हो, तो यहाँ पे आपको ये थर्ड नंबर का यूज़ करना है। और यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे मैं फोन नंबर का यहाँ पे ऑप्शन बताऊँ, तो योर पीपल में जो अगर आप जाते हो, तो यहाँ पे आप किसी पर्सन का ऐड कर सकते हो। जैसे कॉल अगर बोलोगे कि इसे कॉल करो, तो वो तुरंत कॉल कर देगा। तो फैमिली मेम्बर या फिर किसी को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो पेमेंट मेथड हम लोग ये सब छोड़ देते हैं, तो फ़िलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे डिवाइस आता है, आपके पास अगर इको है या फिर कोई भी यहाँ पे डिवाइस है जो कि वाईफाई से कनेक्टेड हो, तो या फिर गूगल का प्रोडक्ट हो, तो आप यहाँ पे इस डिवाइस से ऐड कर सकते हो। अगर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे बताऊँ, अगर मेरे पास कोई लाइट है जो कि इससे गूगल से अटैच है, तो मैं उससे क्या करूँगा, बोलूँगा गूगल टर्न ऑफ लाइट या फिर लाइट ऑफ कर दो, तो यह ये ऑटोमेटिकली लाइट को ऑफ कर देगा, इसी का बेनिफिट है। या फिर आपका स्मार्ट टीवी है, तो उसमें भी आप ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे जो आता है डिवाइस के बाद जो आता है आपको असिस्टेंट रिमाइंडर, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो
तो यहाँ पे असिस्टेंट वॉइस में ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसे मैं मुझे थोड़ा सा माइक यहाँ पे रिमूव करना होगा। तो यहाँ से जो है आपको यहाँ पे अपने हिसाब से वॉइस यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो आपको वॉइस Here are the voices you can pick for your Google Assistant. If you like this voice and want me to keep using it, just stop here. तो यहाँ पे मैं ये वाला वॉइस रहने देता हूँ। सिंपली आपको जो है सिंपली जो है असिस्टेंट वॉइस जो भी पसंद है वहाँ पे आपको जाके छोड़ देना है, ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो उसके बाद जो आ जाता है आपके सामने असिस्टेंट वॉइस के बाद जो आता है बेसिक इन्फॉर्मेशन का। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में वही आपको सेम प्रोसेस करना जो कि मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में बताया था, आपको यहाँ पे सेट कर देना है। तो सेट करने के बाद यहाँ पे आपको सेव कर देना है अपना निकनेम, डेट ऑफ बर्थ, सॉरी यहाँ पे जो है आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन में जो है निकनेम ये सब आप ऐड कर सकते हो जो कि मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में बताया था। और जो उसके बाद आता है कैलेंडर का ऑप्शन, तो कैलेंडर जो है यहाँ पे आप फिलहाल मैं माइक पहले लगा लेता हूँ कैलेंडर। और यहाँ पे सबसे लास्ट यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट बता देता हूँ यहाँ पे फेस मैचर, अगर आपका फेस मैच कराना चाहते हो तो यहाँ पे फेस मैचर पे क्लिक कर दो, फिर गूगल असिस्टेंट को जब भी आप कमांड दोगे तो आपको फेस भी वो डिटेक्ट करेगा, तभी वो कनेक्ट करेगा किसी से, किसी को मतलब किसी को कॉल कनेक्ट करने आप बोल रहे हो तो आपको फेस भी डिटेक्ट करेगा। तो ये फीचर भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेटर है। तो यहाँ पे ये सारा ऑप्शन हो चुका है, तो यहाँ पे हम लोग चलिए ये भी ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कुछ यहाँ पे, ये सब ज़रूरी नहीं है, मैं जो जो सेटिंग यहाँ पे किया हूँ तो वो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बाकी आपको जो अपने हिसाब से अच्छा लगता है वो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे म्यूज़िक वाला ऑप्शन में आपको आ जाना है, तो म्यूज़िक में आप बाई डिफ़ॉल्ट आप मैंने बता ही दिया कि किस तरह से ऐड करना है। तो यहाँ पे उसके बाद जो आ जाता है रिमाइंडर, देखिए ये रिमाइंडर जैसे कि मैंने यहाँ पे रिमाइंडर दिया था इनको, तो इन्होंने रिमाइंडर एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये देखिए मैंने काफ़ी सारा रिमाइंडर यहाँ पे ऐड है, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा रिमाइंडर यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मैंने सारा रिमाइंडर ये सेव करके रखा है। तो उसके बाद जो आता है आपका रूटिंग, तो आप यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट हो या फिर तो आपको यहाँ पे रूटिंग की ज़रूरत पड़ती होगी। और उसके बाद जो आता है शॉपिंग लिस्ट, तो शॉपिंग लिस्ट में आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है और जो भी आपको शॉपिंग लिस्ट इसमें ऐड कराना है तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे मैं ऑप्शन आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको और क्या क्या ऑप्शन, यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में जो ऑप्शन मिलता है वॉइस मैचर, तो यहाँ पे आपको सिंपली जो है इसी तरह से मैंने पहले भी बताया इस वर्क के बारे में, फिर से मैं बता रहा, इसमें आपको वॉइस मैच कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका एक बार वॉइस ये डिटेक्ट कर लेता है फिर दूसरे का वॉइस से ये नहीं ओपन होगा, सिर्फ आप ही का वॉइस से ये ओपन होने वाला है। तो यहाँ पे तो फाइनली इतना मतलब आप सेटिंग कर लो तो आप हिंदी में गूगल असिस्टेंट को प्रॉपरली यूज़ कर पाओगे और जो भी कमांड होगे वो कमांड वो एक्सेप्ट करेगा और हिंदी में आंसर भी देगा। तो देखिए यहाँ पे आपका जो कि गूगल असिस्टेंट मेरा जो पूरा सेटअप हो चुका है, तो यहाँ पे मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ कुछ कमांड देके जो कि आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं सबसे पहला कमांड जो देने वाला हूँ वो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने आगे वीडियो में बताया था कि मैं कुछ लास्ट में कमांड देके दिखाऊंगा। मेरा नाम क्या है बता सकते हो? आपका नाम मुज़फ़्फ़र है। तो देखिए ये काफी ज्यादा गुड मॉर्निंग, हाय एमडी ज़फ़र, द टाइम इज 4 PM राइट नाउ इन फतेहपुर, इट्स 83 डिग्रीज एंड सनी। Today, it'll be clear, with a forecast high of 86 and a low of 61. By the way, remember to padhai karni hai. Also, you need to 7 o'clock baj eka jarori comma. Heads up, here's a reminder to charge your phone. Your battery's at 32%. Have a great day. Here's the latest news. From Reuters. ओके गूगल।
जा रहा है। क्या तुम मुझे जानते हो? मैं आपका नाम नहीं जानती, पर मुझे यकीन है वो एकदम अनोखा है। क्या तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। तो ये देखिए, स्क्रीनशॉट भी ये ले सकता है। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।